से अपनी आंखें सुजा ली है, रो रो के इतना रो रही है, बिल्कुल चुप ही नहीं हो रही है, सच पा रहे हैं। सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया है, नहीं नहीं है वॉशरूम का, पोटी वोटी करने का कोई वो ही नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है ठीक से। बच्चे यहाँ देखो, मच्छर इतना लग रहा है, यहाँ पे बहुत मच्छर लग रहा है। रात को सामान लेकर आया हूँ, पूरे हर जगह पानी पानी हो गया, झोपड़ी वोपड़ी सामान हटा सब बह गया पानी में। यहाँ पे गैस चूल्हा जैसे निकला वो निकाल के लेके आए, और पता नहीं कितने लोग बैठे, और भैंस तो हमारी वहीं पे भी है, पिताजी वहाँ है, बड़ा भाई भी वहीं पे। ये तस्वीरें हैं मयूर विहार एरिया की, जहाँ यमुना खादर क्षेत्र के झुग्गी के लोग दिल्ली में आई बाढ़ और यमुना के बढ़े हुए जल स्तर के चलते अपने परिवार के साथ राहत शिविर में रहने को मजबूर है। लेकिन ये लोग जिस तरह से रह रहे हैं वो दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन कैंप्स ने दिल्ली सरकार की पोल कहीं ना कहीं खोल दी है। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। देश की राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से इस वक्त हालात बद से बदतर हो रखे हैं। यमुना में आई बाढ़ ने 45 साल का पुराना रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी भर गया, खासतौर पर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बाढ़ की वजह से उन लोगों से उनके घर तक छिन गए और वो अपना घर बार छोड़कर राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर है। सरकार ने जगह जगह कैंप बनाकर बाढ़ पीड़ितों को उसमें शरण दी, लेकिन इनके हालात इस वक्त इतने बुरे हैं कि इनके हालात देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इनके हालात देखकर आप भी सरकार से सवाल पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाढ़ की वजह से इन लोगों के हालात कैसे बिगड़ गए हैं आप खुद सुनिए। यहाँ पे बाढ़ इतनी तगड़ी आई हुई है, रात को सामान लेकर आया हूँ, पूरे हर जगह पानी पानी हो गया, झोपड़ी वोपड़ी सामान हटा सब बह गया पानी में। यहाँ पे गैस चूल्हा जैसे निकला वो निकाल के लेके आए, और पता नहीं कितने लोग बैठे, और भैंस तो हमारी वहीं पे भी है, पिताजी वहाँ है, बड़ा भाई भी वहीं पे है। कितने बच्चे, कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं जो परेशान हुए हैं? यहाँ पे कम से कम ऐसे लो 10,000 से ऊपर संख्या है आदमी की, 5,000 झोपड़ियां यहाँ की यमुना खादर की, तो यहाँ पे इतना परेशान आदमी। अब अभी भी बोट चल रही है यमुना में, और कुछ लोगों का सामान अभी ट्रैक्टर फंसे पड़े हैं, पूरे ट्रैक्टर भाई फंसे पड़े हैं, ट्रॉली में सामान लोड है और ट्रॉली पलट गई है कुछ, और सामान बह गया है। कैंप में रहने को मजबूर इन लोगों ने सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने कैंप तो लगवा दिया, लेकिन वॉशरूम जैसी बेसिक जरूरत तक नहीं दी, जिसके चलते महिलाओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। आप सुनिए क्या बोले बाढ़ से पीड़ित ये लोग। यहाँ पे तो कोई साधन ही नहीं है वॉशरूम का, फोटी वोटी करने का कोई वो ही नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है ठीक से, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, जब खाना खाते तब नहीं आता, बाद में आता है पानी। इस लड़की ने तो सुबह से अपनी आंखें सुजा ली है, रो रो के इतना रो रही है, बिल्कुल चुप ही नहीं हो रही है, सच पा रहे हैं, सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया है। इस बाढ़ की वजह से बड़े लोगों को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन बच्चे भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। कैंप में रह रहे लोगों का कहना है कि बच्चों को कीड़े और खटमल काटने का डर सता रहा है। सरकार से कहेंगे कि हमारा जो सामान रह गया वहाँ पे, यहाँ पे आए और हमें हमारी अच्छे से व्यवस्था दें। बच्चों को पढ़ाई की भी परेशानी हो रही है, यहाँ पे सोने की भी परेशानी हो रही है, व्यवस्था नहीं है, मच्छरदानी फच्छरदानी के मच्छर इतने लगते हैं। कितने लोग प्रभावित हुए हैं आपको कितना पता है, आंकड़ा कितना होगा? दो 2,500 तो होंगे हमारे यहाँ पे लोग, और मतलब ज्यादा ही होंगे, हम लोगों को पता नहीं है इतना भी, अभी इतनी बाढ़ आ चुकी है और लोगों की तो गाय अभी तक कोई लोग तो आ भी नहीं पाए हैं अभी, हाँ वहाँ से, अब देखो क्या होता है। बच्चे यहाँ देखो, मच्छर इतना लग रहा है, यहाँ पे बहुत मच्छर लग रहा है। ये कैंप देखो सरकारी तरफ से लगा हुआ है कैंप, अभी पहले नहीं था ये, अब लगा है। लोगों का कहना है कि इस बाढ़ के चलते ये लोग अपने परिवार से भी बिछड़ गए, किसी के परिवार के सदस्य कहीं रह गए तो किसी के जानवर पीछे छूट गए। फिलहाल इन लोगों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन कैंप में रह रहे इन लोगों की हालात देखकर ये तो साफ लग रहा है कि सरकार ने इनके लिए जल्दबाजी में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन इनकी जरूरत का साधन इन्हें नहीं दे पाए। पानी और वॉशरूम जैसी बेसिक नेसेसिटी भी इन्हें नहीं मिल पा रही है, और ये अपने आप में एक शर्म की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।